poem Free Keeping Quiet, written by Pablo Neruda, and he was born in the town of Parel in Chile. In this poem, Neruda talks about the necessity of keeping quiet, necessity of quiet, introspection. Introspection जो है is an examination of one's own thought and feeling. मतलब वो बोल रहे हैं कि ज़रूरत है हमको quiet रहने की और quiet रह के अपने आप को समझने की कि हम क्या सोचते हैं, क्या feel करते हैं, खुद को पहचानने का आपको टाइम मिलेगा when you keep quiet. तो वो quiet रह के और अपने आप को समझने का रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है, ऐसा बोल रहे हैं थ्रू दिस पोएम. एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द ह्यूमन बीइंग्स. और बोल रहे हैं कि वो ये पोएम के थ्रू बोलना चाह रहे हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग्स के बीच में होना चाहिए कि अपने आप को और दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. एक दूसरे को हमको समझने का टाइम मिलेगा अगर हम लोग क्वाइट रहेंगे, अपना जो एक्टिविटी है, अपना जो मूव है, उसको थोड़े टाइम के लिए रोक देंगे तो. बिकॉज हमारी लाइफ जो है इतना फास्ट है कि हम लोग को रुकने का, सोचने का, खुद को पहचानने का टाइम नहीं मिल रहा है. इसलिए पोएट ये पोएम में ऐसा बोल रहे हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12. वो बोल रहे हैं कि मैं काउंट करूंगा 1 to 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. हम सब एकदम स्टिल हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ना कोई किसी से बात करेगा, ना मूव करेगा. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, वो बोल रहे हैं कि ये एक बार हम लोग करेंगे. ऑन द फेस इज सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ पे वो एक बार होगा. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई किसी से बात नहीं करेगा किसी भी लैंग्वेज में. लेट्स टॉक फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए सब लोग स्टिल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, कोई मूव नहीं करेगा. एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, अपने आर्म्स, अपनी बॉडी को कोई भी मूव नहीं करेगा. एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, यहाँ पे जो उन्होंने आर्म वर्ड यूज किया है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं पन. पन इज द फिगर्स ऑफ स्पीच जो यूज किया जाता है डबल मीनिंग के लिए. तो पोएट ने यहाँ पे आर्म्स जो है यूज किया है जिसका डबल मीनिंग है. एक तो वो मूव करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, शांत रहने के लिए बोल रहे हैं, अपनी एक्टिविटी को बंद करने के लिए बोल रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, सो दैट वील गेट टाइम, अपने आप को पहचानने का टाइम मिलेगा, दूसरों को समझने का टाइम मिलेगा. और दूसरे तरीके से उन्होंने आर्म्स यहाँ पे यूज किया है कि आप अपने आर्म्स को ज्यादा मूव नहीं करो, क्योंकि इंसान ने जब भी आर्म्स यूज किए हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाया है, दूसरों को डिस्ट्रॉय किया है, किल किया है. तो यहाँ पे आर्म्स का वो डबल मीनिंग यूज कर रहे हैं, अपने अच्छे के लिए शांत रहो और ज्यादा आर्म नहीं मूव करो, सो दैट दूसरों को आप डिस्ट्रॉय नहीं करो, हार्म नहीं करो. इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, बोल रहे हैं कि ये जो मोमेंट होगा कि सब शांत रहेंगे, स्टिल रहेंगे, तो वो एक अनयूजुअल मोमेंट हो गया जो कभी नहीं हुआ है. विदाउट रश, कोई भी रश नहीं करेगा, हरी नहीं करेगा. विदाउट इंजन्स, कोई भी इंजन, मशीनरी, डिवाइसेस नहीं यूज करेगा. तो सब कुछ शांत है, कोई मशीन का, डिवाइस का कोई आवाज नहीं है. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, हम लोग सब साथ होंगे इस मोमेंट में और सब कुछ सडन स्ट्रेंजनेस होगा, सब कुछ अजीब होगा, अनयूजुअल होगा. देन नेक्स्ट पैराग्राफ, फिशरमैन इन द कोल्ड सी. जो फिशरमैन है, कोल्ड सी इज द सी विच आर नियर द पोल, पोलर रीजन्स में होते हैं जहाँ पे सी बहुत कोल्ड, आइसी वाटर होता है.
तो फिशरमैन जो कोल्ड सी में, अगर फिशरमैन स्टिल रहेंगे तो वो सी में दे विल नॉट हार्म दी वेल्स, किसी वेल को या कोई भी सी क्रिएचर्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर वो मूव नहीं करेंगे अपने आर्म्स को तो. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. जो मैन बहुत बिजी रहते हैं पूरा दिन सॉल्ट को गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए सॉल्ट फील्ड में काम करते हैं, तो अगर वो स्टिल रहते हैं फ्यू सेकंड्स के लिए तो उनको टाइम मिलेगा अपने हैंड्स को देखने के लिए. उनके हैंड्स जो हर्ट हैं, जो पेन कर रहे हैं, तो वो अपने हाथों का ध्यान रख सकते हैं अगर वो देखेंगे और शांत रहेंगे तो. नेक्स्ट पेज, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स. वो लोग जो सारे ग्रीन वॉर्स करते हैं, ग्रीन वॉर इज द वॉर अगेंस्ट एनवायरमेंट. जो भी सारे हम हार्म पहुंचाते हैं अपने एनवायरमेंट को अपना डेवलपमेंट करने के लिए, वो सारा भी बंद हो जाएगा. वॉर विथ गैस, जो वॉर करते हैं जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं पॉइजनस गैसेस को और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं. एंड वॉर विथ फायर, जो बॉम्ब और एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज करते हैं वॉर में. विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, मतलब अगर ऐसे वॉर में किसी का भी विक्ट्री नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी का विक्ट्री भी हुआ तो उसको एंजॉय करने के लिए कोई भी जिंदा नहीं रहेगा. वॉर हमेशा सबको नुकसान पहुंचाएगा, हार्म करेगा. वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो ये सब वॉर बंद करने के लिए बोल रहे हैं पोएट, और बोल रहे हैं कि हम अच्छे क्लीन क्लोथ्स पहने और साथ में एंड वॉक अबाउट विद देयर हैंड विद देयर ब्रदर्स, सब एक साथ वॉक करें ब्रदर्स की तरह. इन द शेड, ट्री के शेड में, डूइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं करें, थोड़े टाइम के लिए अपनी एक्टिविटी को रोक दें कुछ भी नहीं करके, और साथ में हम लोग ट्री का शेड, नेचर को एंजॉय करें. व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, वो बोल रहे हैं कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको कंफ्यूज नहीं करना, उसका दूसरा मीनिंग आप नहीं ले लेना. दैट इज विद टोटल इनएक्टिविटी, मतलब वो स्टिल रहने के लिए बोल रहे हैं, फ्यू सेकंड्स के लिए शांत रहने के लिए बोल रहे हैं, तो उनका मतलब इनएक्टिविटी नहीं है, डेथ नहीं है. बिकॉज लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, अगर लाइफ है तो हम लोग मूव करेंगे और मूव करना ही चाहिए. बट ही इज सेइंग कि फ्यू सेकंड्स आप रेस्ट भी करो, अपने बारे में सोचो, दूसरों को अंडरस्टैंड करो. बट इनएक्टिव या डेथ उनका मीनिंग नहीं है. आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, वो बोल रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब ट्रक विथ डेथ, ट्रक इज एसोसिएशन, ट्रक इज द मीनिंग डेथ नहीं है, वो डेथ नहीं बोलना चाह रहे हैं. इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, हम सब एक जैसा ही सिंगल माइंड रखते हैं कि लाइफ जो है हमेशा मूव करते रहना चाहिए, बट एक सेकेंड आपको कुछ टाइम रेस्ट करना भी जरूरी है. पूरा टाइम मूव करना, एक्टिव रहना अच्छी बात है, बट रेस्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, नेसेसरी. एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, कुछ ऐसा टाइम भी होना चाहिए कि जब आप कुछ नहीं कर रहे, रेस्ट कर रहे. परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, जब सब कुछ शांत है, किसी चीज का, किसी इंसान का आवाज नहीं है. माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो जब इस तरीके का साइलेंस होता है, क्वाइटनेस होता है, तो वो आपको टाइम मिलता है अपने सैडनेस को पहचानने का कि आप सैड क्यों हैं, क्या रीजन है आपकी सैडनेस का. ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्फ, और हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, तो वो जो स्टिलनेस का टाइम होता है, तो आपको टाइम मिलता है अपने आप को समझने का.
एंड हमको पहचानने का कि हम डेथ से इतना क्यों डर रहे हैं. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. वो बोल रहे हैं कि हमको अर्थ से सीखना है, लेसन सीखना है अर्थ से, कि जब आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ डेड है, सब कुछ खत्म हो गया है, तब वही अर्थ आपको प्रूव करके दिखाती है कि लाइफ है. जब वो अर्थ में से एक छोटा सा स्प्राउट बाहर निकलता है तो आपको रियलाइज होता है कि लाइफ एग्जिस्ट है. नाउ आई काउंट अप टू 12. बोल रहे हैं कि मैं अब शुरू करूंगा काउंट करना 1 से 12 तक. एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. आप सब चुप हो जाना, शांत हो जाना और मैं जा रहा हूँ. सो थ्रू दिस पोयम ही इज ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज कि हमको कुछ टाइम अपने लिए भी स्पेंड करना चाहिए. हमारी लाइफ इतना बिजी हो गया है, इतना एक्टिव है कि हम रुकते ही नहीं हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, ना अपने बारे में ना दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं. वी आर जस्ट मूविंग लाइक मशीन्स, इंजन्स. तो हमको कुछ टाइम देना चाहिए अपने आप को, अपने दूसरे जो हमारे लोग हैं हमारे आसपास, उनको भी समझना चाहिए और अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है.